सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिट्रा जी स्कूल। नमस्कार, मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पुष्पा। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने सहित कई अन्य मामले को लेकर निलंबित एसएसपी विवेक कुमार के आवास सहित कई अन्य ठिकानों पर बीते 78 घंटे से चल रही छापामारी अभी भी जारी। कॉलेज प्रबंधन द्वारा आनन फानन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए जाने को लेकर आक्रोशित छात्र छात्राओं ने आरडीएस कॉलेज में किया हंगामा और प्रदर्शन। 18 सूत्री मांगों को लेकर डीपीओ स्थापना कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन पर बैठे परिवर्तनकारी शिक्षकों का आंदोलन वार्ता के बाद समाप्त। और निजी विद्यालय संचालकों की मनमानी के विरोध में हके हिंदुस्तान कमेटी के सदस्यों ने ढोल नगाड़ा पीट कर निकाली पद यात्रा और किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में निलंबित एसएसपी विवेक कुमार के आवास सहित कई अन्य ठिकाने पर विजिलेंस की छापामारी गुरुवार की देर शाम तक जारी रहा। उधर खबर आ रही है कि शराब जब्ती संबंधी फाइलों की विजिलेंस जांच शुरू होते ही एसएसपी के रीडर सहित आधा दर्जन पुलिस अधिकारी भूमिगत हो गए हैं। उनका मोबाइल भी बंद हो गया है और इन अधिकारियों ने विभाग को छुट्टी पर जाने का आवेदन दे दिया है। काला धन छुपा कर रखने, शराब माफियाओं से साठगांठ रखने तथा आय से 300% अधिक संपत्ति अर्जित करने आदि मामले को लेकर निलंबित मुजफ्फरपुर के एसएसपी व 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी विवेक कुमार के आवास सहित कई अन्य ठिकानों पर बीते सोमवार की दोपहर से शुरू हुई स्पेशल विजिलेंस यूनिट की छापामारी गुरुवार को चौथे दिन भी जारी रही। एसवीयू के आईजी रतन संजय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आईपीएस अधिकारी विवेक कुमार के ससुराल मुजफ्फरपुर नगर स्थित विजया बैंक के 6 लॉकर की चाबियां मिली थी, जिसमें बुधवार को 2 लॉकर खोला गया था। वहीं गुरुवार को तीसरा लॉकर खोलने पर लॉकर से 36 लाख रुपए मिले हैं। इसके अलावा 2 अन्य लॉकर भी खोला गया, जिसकी छानबीन की जा रही है। एसवीयू सूत्रों की माने तो जिले के 13 स्थानों से शराब जब्ती और शराब मामले में गिरफ्तारी संबंधी फाइलें मंगाकर उसकी शुरू हुई जांच के बाद जिले के 5 थाना अध्यक्ष, एसएसपी, एक एसएसपी के रीडर और एक डीएसपी भूमिगत हो गए हैं। बताया गया है कि इन अधिकारियों का मोबाइल बंद हो गया है। सूत्रों का कहना है कि भूमिगत हुए अधिकांश पुलिस अधिकारियों ने विभाग को छुट्टी का आवेदन देकर भूमिगत हो गए हैं। मैं आज आपको बता दूं कि 72 घंटे से जांच यहाँ शुरू है और निलंबित एसएसपी विवेक कुमार की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आज इनके ससुर वेद प्रकाश और सास उमा रानी के विजया बैंक के लॉकरों की छानबीन की गई है, जहां से 36 लाख रुपए बरामद हुई है। वहीं प्रख्यात सूरज हत्याकांड में उसके परिजन आज यहां पर निगरानी विजिलेंस की टीम से मिलने के लिए आई थी, पर इन्हें पल्ला झाड़ते हुए निगरानी की टीम ने यहां के आईजी से मिलने की बात कही है। मृतक सूरज के परिजन गुरुवार को विजिलेंस के अधिकारियों से मिलने एसएसपी आवास पहुंचे तथा सूरज हत्या मामले में संदेह के घेरे में आए पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई। 11 अप्रैल 2016 को कोर्ट परिसर में कैदी सूरज की हुई हत्या मामले में परिजनों द्वारा निलंबित एसएसपी विवेक कुमार पर कई आरोप लगाते हुए मृतक के सूरज के परिजन एसएसपी आवास में छापेमारी कर रही विजिलेंस टीम से मिलने पहुंचे तथा विजिलेंस अधिकारियों से मिलकर उन्हें अपनी शिकायत से अवगत कराया। हम लोग भी सामने में खड़े हैं, मनोज सिंह भी खड़े हैं, उनसे करीब 5-7 आदमी उनसे बातचीत भी कर रही है। हम आपको बताएं, उसके बाद जो है कि सूरज बाहर से अंदर से निकला है, बाहर तीन मुहानी पर जैसे पहुंचा है, उसके बाद जो है कि उत्तर के तरफ से ऐसे पीछे ही से गाड़ी आई है, उत्तर के तरफ ऐसे मुड़ करके ऐसे लगा लिया, उसको सटा कर गोली मार दिया उसको। वहाँ हमने जो नाम था हमने वही नाम दिया जी, उसमें मनोज सिंह का भी नाम हमने दिया जी। क्या थे मनोज सिंह उस समय? थाना प्रभारी थे जी, नगर थाना में जी। उन्हीं के सामने में ऐसा घटना घटा, हम उनसे मदद भी मांगे हैं जी कि सर मेरा लड़का भी जिंदा है, गाड़ी दीजिए आप, लेकिन गाड़ी नहीं दिए, वो भाग गया है। उसके बाद हल्ला फसाद हुआ बहुत से, वहाँ तो कोर्ट परिसर 1000-2000 आदमी हमेशा रहता है। उसके बाद हल्ला फसाद होने लगा, सब आदमी भाग गए वहाँ से। उसके बाद जो है अपना गाड़ी मंगवाया, एम्बुलेंस लेकर गए यहाँ जानकी हॉस्पिटल, वहाँ गए तक इनको डेट कर गया। उसके बाद जो है कि सब आदमी थाना से ले गए हमको मेडिकल में पोस्टमार्टम करवा दिए, लाश को हमको दे दिए, उसके बाद लेकर के आए।
आए तो उसके बाद एक रोज हमारा आदमी लोग वहाँ से जो थे वो लोग आए तो उसे अटकल होकर लाश को परवरिश। जी आज यहाँ आए हैं क्या? हाँ आज आए हैं तो कहीं ना कहीं आप जाइए आईजी साहब के पास जाइए डीआईजी साहब। तो यहाँ माने कि किन बातों को लेकर आए हैं? इसी बात को लेकर के आए थे कि चलो यहाँ पर भी आए हुए बाहर के लोग सब हैं अपना हर चीज किए हुए तो हो सकता है कि इसका भी बातचीत का। जी क्या एसएसपी साहब की क्या संलिप्तता है? संलिप्तता यह है कि मनोज सिंह का नाम यह कैसे छाप दिया है जी। उसके बाद ये खुर्शीद और ये खुर्शीद है वो कौन है बेटा? ये वो खुर्शीद है वो कौन थी? राजा। दोनों का भी नाम छाट दिया अभी जो उसमें कागज में लिखा हुआ सभी सब पाया गया सब चीज है और उसके बाद दोनों का नाम छाट दिया। हम इसी के लेकर गए थे कि ऐसे ऐसे न्याय मांगने के लिए चलिए ऐसा कि यहाँ पर कुछ होगा तो कोई ऐसा बातचीत हो जाएगी। उधर अपने पति को निर्दोष बताते हुए मृतक सूरज की पत्नी ने टीम से मिलकर उन्हें वास्तविकता से अवगत कराया। साथ ही मृतक सूरज के परिजनों ने विजिलेंस टीम से न्याय की मांग की है। जी सर मेरे मतलब उसका बेटा को कोई मार दिया था तो मेरे पति मेरे साथ थे पूर्णिया में ठीक है उसी डेट पे तो वो लोग इल्जाम लगा दिया मेरे पति पे। जो आदमी यहाँ है नहीं वो आदमी गोली कैसे चलाएगा उसका बेटा को कैसे मारेगा जी। तो हम लोग प्रूफ भी दे रहे थे फिर भी ये लोग नहीं माना। मेरे पति को बोला था बोल के रखा था कि खून का बदला खून लेंगे वही काम किया कि न्याय के घर में हम लोग के साथ अन्याय कर दिया जाके जी। तो पति आपके जेल में थे ना उस पीरियड में क्या हुआ था घटना? हाजत में आए थे हाँ। जेल में भी किया था हाजत से जैसे बाहर निकले हम तो आए ही थे प्रसाद लेके गए हुए थे उनके लिए छठ का कद्दू भात था उसी का प्रसाद लेके गए थे उसी समय हम लोग गेट पर ही खड़े थे उधर से मेरे पति निकले पीछे से आके गोली मार जी। आज यहाँ आई है क्या मारे की क्या मांग कर रही है? हम लोग बस न्याय के उद्देश्य आए हैं कि कहीं तो न्याय मिल जाए। इधर राजा और खुर्शीद का हम तो सोचे कि ठीक है चलिए सत्य पाया गया मनोज सिंह का नाम क्लीन चिट कर दिया और राजा खुर्शीद का 2 साल पर तब चल रहा था कह रहा बार बार कह रहा है कि सर उसको गिरफ्तारी कीजिए कुर्की करवाइए जाँच चल रही है अब जाकर उसका दोनों का नाम छाट दिया गया है। मैंने उन लोग से पैसा खाया था इसीलिए। और मनोज सिंह के बारे में हम सोचे कि यहाँ से तो नहीं हो पाई मानव अधिकार लोकायुक्त गए तो वहाँ से भी एसपी साहब से सूचना मांगी कि कैसे हुआ तो वहाँ उन्होंने यही लिख करके भेजा कि 612 में ललिता देवी के कहने पर कोई उनका काम नहीं किया मनोज सिंह आक्रोश में आकर के मनोज सिंह का नाम दिया 264 में। तो बताइए हम लोग को कहाँ न्याय मिलेगी सब। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के जुरन छपरा में एक व्यक्ति की मोबाइल चुरा कर भाग रहे चोर को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा और उसकी धुनाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। शहर में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को दिन दहाड़े ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के जुरन छपरा स्थित जिला परिषद मार्केट के निकट एक व्यवसाय से मोबाइल चोरी करते हुए एक चोर को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ धर दबोचा और उसके बाद जमकर पिटाई कर दी। चोर ने पिटाई के बाद चोरी में अपनी संलिप्तता को स्वीकार कर लिया। बाद में पहुंची ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस चोर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। 18 सूत्री मांगों को लेकर डीपीओ स्थापना कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन पर बैठे परिवर्तनकारी शिक्षकों ने समझौता वार्ता के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया। 7वां पुनर्निरीक्षण वेतन का निर्धारण करने सहित 18 सूत्री मांगों को लेकर डीपीओ स्थापना कार्यालय के समक्ष बुधवार को शुरू हुए परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के सदस्यों का आमरण अनशन दूसरे दिन भी गुरुवार की देर शाम विभागीय अधिकारियों के साथ अनशनकारियों की हुई समझौता वार्ता के बाद समाप्त हो गई। डीपीओ स्थापना के अनशनकारी शिक्षकों को जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया गया। दूसरे दिन भी अनशन था, अनशन समाप्त हुआ है। विभिन्न समस्याओं को लेकर हमारे कार्यकर्ता अनशन पर बैठे थे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से हम लोगों की बात हुई है। डीपीओ साहब ने आश्वस्त किया है कि जो 7th पे का निर्धारण हो रहा है सेवा पुस्तिका जमा करने का जो काम हो रहा है उसमें जो निचले स्तर पर पदाधिकारियों के द्वारा अन्य कर्मियों के द्वारा मनमानी की जा रही है उस पर लगाम लगाया जाएगा और उसके लिए इन्होंने आश्वासन दिया है कि कल ही इन लोगों से एक स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि कुल कितने शिक्षक आपके प्रखंड में हैं और कितने की सेवा पुस्तिका यहाँ जमा हुई, जिनकी सेवा पुस्तिका जमा नहीं हो सकी उसके लिए आपने क्या कार्रवाई की और तदनुसार इन्होंने कहा है कि जो भी बीओ इसमें लापरवाही बरतेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वेतन मान की भी मांग थी और बकाए वेतन के का जो मामला है उसमें अभी राज्य सरकार से आवंटन नहीं मिला है। इन्होंने अपने स्तर से निदेशक प्राथमिक शिक्षा से पत्राचार किया है, आवंटन की मांग की है और आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द आवंटन आ जाएगा, आवंटन मिलते ही भुगतान कर दिया जाएगा। यह गंभीर मामला था कि जो शिक्षक मृत हैं सेवा काल में मर गए हैं उनको 4 लाख की अनुग्रह राशि सरकार देती है उसके भुगतान का मामला था। उसके संबंध में उन्होंने कहा कि जिनका भी आवेदन यहाँ पर आया है उसकी संचिका पुटअप करिए और उसका अविलंब भुगतान कर दिया जाए।
साथ ही कुछ मामले ऐसे थे जो डीपी के सर्टिफिकेट वितरण से संबंधित मामला था या अकाउंटेंट मोतीपुर का अकाउंटेंट मनमानी करा उसके खिलाफ कार्रवाई की बात थी, तो इन सभी मामलों को लेकर के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान कल आए थे और उनको यह संबंधित मामला दे दिया गया है। उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि हम 3 दिनों के अंदर इस पर कार्रवाई कर देंगे। सदर थाना क्षेत्र के रेवा रोड स्थित डीएनजी मार्केट के 5 दुकानों का ताला काटकर चोरों ने 2 दुकानों से नगद सहित 1 लाख की संपत्ति चोरी कर ले गए। नगर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की हो रही घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। सदर थाना क्षेत्र के रेवा रोड स्थित डीएनजी मार्केट में बुधवार की रात चोरों ने 5 दुकानों का ताला काट दिया, परंतु 2 ही दुकान से सामान चोरी कर ले जाने में सफल हुए। तिरहुत शॉपी के मालिक रंजन कुमार ने बताया कि उनके दुकान का शटर काटकर चोरों ने 20,000 नगद सहित लगभग 50,000 की संपत्ति चुरा कर ले गए। दुकान बंद कर गए, अब सही पर मालूम हुआ यहाँ तला टूटा हुआ है, तब आगे देखते हैं। कितने की चोरी हुई है? 50,000-55,000 के। सामान में क्या क्या गया? 25,000 नगद, 30,000 रुपया कैश ले गया है और 30,000 रुपये का कपड़ा ले गया है। उधर चरण शू पार्लर के मालिक का कहना है कि चोरों ने पहले उनके दुकान का ताला काटा, फिर अंदर घुसकर गल्ला तोड़कर उसमें रखे नगद रुपए और जूते चप्पल चोरी कर ले गए। सुबह में आए हैं तो देखें कि बगल के बच्चा चाल किया है कि शटर टूटा हुआ है, पेपर भेजते हुए अंकल जी 6 बजे दुकान खोलते हैं, वही हम लोग को बताया। कितने की चोरी हुई है? वही 5,000 रुपये कैश था, वही 10 का नोट, 50 का नोट। सामान में? सामान वही 10,000 रुपये का मान लीजिए, अपने साथ भी जूता ले लिया। निजी विद्यालय संचालकों की मनमानी के विरोध में हक हिंदुस्तान कमेटी के सदस्यों ने ढोल नगाड़ा पीटकर पद यात्रा निकाली और समरनाले में प्रदर्शन किया। समरनाले में हक हिंदुस्तान मोर्चा ने जिले में निजी स्कूल की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन किया। हक हिंदुस्तान मोर्चा का आरोप है कि जिले में निजी स्कूल छात्रों के अभिभावकों से मनमाने तरीके से पैसे की वसूली करती है। हिंदुस्तान मोर्चा ने मुख्य रूप से निजी स्कूल में रीएडमिशन, सालाना फीस डेवलपमेंट बंद करने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एनसीईआरटी की किताबें नहीं पढ़ाए जाने तथा इसे जल्द से जल्द लागू करने और कॉपी किताब ड्रेस पेंसिल बैग बेचने पर रोक लगाने की मांग की है। मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन जारी रखने की इन्होंने बात कही है। क्योंकि पूरी प्रशासन सोई हुई है, इनको जगाने के लिए हम लोग डंका लेके आए हैं कि कम से कम सर डंका का आवाज भी सुन के जाग जाइए। निजी स्कूल और उसके संचालक खुलेआम लूट मार मचाया हुआ पूरे जिला में। अभी देखिए स्कूल का ड्रेस तक बदल रहे, नया स्कूल का पूरा ड्रेस जारी कर रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक गाइडलाइन क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट का कि आपको एनसीईआरटी की बुक चलानी है, पर ये लोग खुलेआम प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक चला रहे हैं। अवैध रूप से ये लोग धंधा कर रहे हैं, किताब कॉपी ड्रेस पेंसिल यहाँ तक जूते पूरा किट बेच रहे हैं ये लोग। अब बताइए इसके खिलाफ जिला प्रशासन बिल्कुल सोई हुई है। तो हमारा आज का मुद्दा यही है कि हम लोग डंका लेके आए कि सर उठिए जागिए, देखिए निजी स्कूल वाले से इस जिला का एक एक आदमी परेशान है, प्रताड़ित हो रहा है। और हमारी मांग है जिलाधिकारी से कि अगर निजी स्कूल के खिलाफ उन्होंने ऐसे ही कान में तेल डाल के अगर सोए रहे तो हम आंदोलन करेंगे और मुजफ्फरपुर बंद करेंगे निजी स्कूल के मनमानी के खिलाफ, जिसकी सारी जिम्मेदारी बिहार सरकार और जिला प्रशासन जिला अधिकारी की होगी। नगर डीएसपी के नेतृत्व में नगर थाना पुलिस ने गुरुवार को सदर अस्पताल रोड में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। नगर थाना क्षेत्र के कंपनी बाग रोड में पुलिस द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर डीएसपी नगर थाना प्रभारी द्वारा आने जाने वाले मोटरसाइकिल सवार लोगों की तलाशी ली गई, साथ ही गाड़ी के कागजात की भी जांच की गई। सघन जांच के दौरान दर्जनों मोटरसाइकिल सवार लोगों को चालान भी काटा गया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहें मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज। स्मार्ट सिटी शहर में खुल गया है बिहार का पहला सभी रेंज के साथ ब्लू स्टार एक्सक्लूसिव स्मार्ट शोरूम। यहां सभी प्रकार के एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, चेस्ट फ्रीजर, वाटर प्यूरिफायर, एयर फ्रीजर, एयर कूलर के अलावा कई और रेंज उपलब्ध है।
इस शोरूम में एक और खास बात है, यहाँ कस्टमर के सभी चीजों का ख्याल रखने के साथ साथ बजाज फाइनेंस की सुविधा है, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है UA Enterprises, अघोरिया बाजार, आम गोला रोड, नियर सिटी कार्ट मॉल, मुजफ्फरपुर। ईमेल आईडी u.a.enterprises.muz@gmail.com। आर कॉन्टेक्ट नंबर r9334908889 2 3 4 9 0 0 8 8 8 9 9 7 3 2 4 6 3 0 0। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट प्रोडक्ट के साथ कंप्लीट रेंज के साथ उतरे हैं। प्रोडक्ट तो काफी अच्छे हैं ही, एक बार सिर्फ हमारे आने की जरूरत है आपको, और बस आइए और देखिए। हजरत अली एकेडमी शहर मुजफ्फरपुर का एक मशहूर अदारा है, जहां इस्लामी माहौल में मॉडर्न एजुकेशन का बेहतरीन इंतजाम है। यहां से पढ़कर निकलने वाले बच्चे बच्चियां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया एवं हैदराबाद के आला अदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं। इसकी बुनियाद 1983 ईस्वी में रखी गई और आज इसके 3 ब्रांच इस्लामपुर, चंदवारा और सादातपुर बैरिया में कामयाबी के साथ CBSE पैटर्न पर चलाए जा रहे हैं। तकरीबन 2000 बच्चे बच्चियां इस अदारा से इस्लामी माहौल में मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तलबा की सहूलत, सेहत और मेयारी आला तालीम के लिए बासलाहियत असातजा किराम की टीम, स्मार्ट क्लास, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, कुशादा लाइब्रेरी, हर वक्त बिजली की सप्लाई के लिए बड़ा जेनरेटर, पीने के लिए साफ ठंडा आरो पानी, तलबा को लाने ले जाने के लिए तेज सवारी, बड़ी बस, वक्तन फवक्तन तलबा के सेहत की जांच और बच्चियों के लिए खसूसी पर्दा का इंतजाम है। बिहार बोर्ड से पढ़ने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए 8वीं दर्जा से BSEB क्लास का नज्म और इन तमाम चीजों पर CCTV कैमरे से हमा वक्त निगरानी। आपके बच्चे बच्चियों के रोशन मुस्तकबिल के वास्ते एडमिशन जारी है, जगह महदूद है। हजरत अली एकेडमी अपनी नौयत के एतबार से वाहिद इदारा है जो तालीम और तरबियत का वाहिद मरकज है, जहां हम नौनिहाल मिल्लत को तालीम और तरबियत से आरास्ता करके एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा शहरी बनाना चाहते हैं। इसलिए हम मौजूदा दौर में ये चाहते हैं, मिल्लत इस्लामिया से खसूसी तौर पर हम गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों को इस इदारे को दीजिए। आपका इदारा मिल्लत का इदारा है और मिल्ली मफाद के लिए वजूद में आया है, और हम आपके बच्चों को मुस्तकबिल देना चाहते हैं। आप हमें बच्चा दीजिए ताकि हम इस अहम फरीजे को अंजाम दे सकें और अल्लाह के यहाँ भी हम सुरखुर वर कामयाब हो सकें। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर 7463883 9006877392 8539857777। क्लियर योर कॉन्सेप्ट एंड अचीव योर ड्रीम्स एट जीनियस क्लासेस। IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेस में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है।
प्रीति रानी बीटेक आईआईटी रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। सो हु वॉन्ट्स टू बी द नेक्स्ट जीनियस, कॉल अस 7635091378 7635091387 7635091396। जीनियस नाम ही पहचान है। मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिफ्टन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्ट्रिज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरेट। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरेट। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर वन स्कूल चेन ऑफ द ईयर। वेलकम टू ब्लूम्स एंड ब्लूम्स वैदिक स्कूल, बी इंटेलेक्चुअल बाय इंटेलेक्चुअल्स। इस विद्यालय में मॉन्टेसरी से लेकर क्लास 9 तक की पढ़ाई करवाई जाती है। विद्यालय में टैलेंटेड टीचर्स के अलावा शानदार क्लासरूम है, जो बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में बच्चों को काफी मदद करता है। इसके अलावा इस विद्यालय में वाहन की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय द्वारा दी जाने वाली को करिकुलर एक्टिविटीज में साइंस लैब, कंप्यूटर क्लास, पेंटिंग, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा क्लासेस की सुविधा के अलावा मंथली टेस्ट, क्विज, डिबेट, गेम्स प्रतियोगिता कराई जाती है। तो अपने बच्चों के नामांकन के लिए जरूर संपर्क करें। हमारा पता है ब्लूम्स एंड ब्लूम्स पब्लिक स्कूल, सिद्धार्थपुरम, रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर्स आर 9955456278544077116। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। कॉलेज प्रबंधन द्वारा छात्र संघ चुनाव में जीते पदाधिकारियों का आनन फानन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किए जाने को लेकर आक्रोशित छात्र छात्राओं ने आरडीएस कॉलेज में हंगामा और प्रदर्शन किया। रामदयालु सिंह महाविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव में जीते हुए प्रत्याशियों के शपथ समारोह को छात्रों ने हंगामा करते हुए बहिष्कार किया। दरअसल महाविद्यालय में आज जीते हुए प्रत्याशियों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। उसी समय आक्रोशित छात्रों ने शपथ समारोह स्थल पर हंगामा करने लगे और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारे भी लगाए। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाया है कि शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कॉलेज प्रशासन द्वारा आनन फानन में कर दिया गया और किसी को इसकी सूचना नहीं दी गई। वहीं दूसरी ओर छात्रों के इस हंगामे को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने शपथ ग्रहण समारोह को रद्द कर अगली तिथि की घोषणा कर दी। हमारी परेशानी ये है कि आज रामदयालु सिंह महाविद्यालय में हम छुट्टी में छात्र प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह होना था, तो आप देख सकते हैं कि कैसे छोटे से रूम में हमारा शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है और इसमें सिर्फ शिक्षकगण है। अगर शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है तो यहाँ में कॉलेज में छात्र छात्राओं को बुलाना चाहिए, सारे स्टाफ को बुलाना चाहिए, जीते हुए प्रतिनिधियों के अभिभावक को बुलाना चाहिए, आदर आमंत्रित करना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग को कुछ बताया नहीं जाता है। 3-4 शाम में फोन करके कहा जाता है कि आपका शपथ ग्रहण समारोह है, आप शपथ ग्रहण समारोह करने आइए। जब मैंने कहा कि हमारे सारे प्रतिनिधि यहाँ नहीं है, कुछ बाहर भी है, तो कहा गया कल 12 बजे है, तब तक तो आप पहुंच ही सकते हैं। हमने बोला कि कैसे होगा, कुछ बच्चे छूट जाएंगे, तो कहा गया कि जो आएंगे उनका हो जाएगा, जो नहीं आएंगे उनको बाद में होगा। तो मैंने ये भी बोला कि शपथ ग्रहण समारोह होता है तो एक बार सारे प्रतिनिधियों का होगा कि कुछ का आज होगा, कुछ का कल होगा। हम लोग उसका विरोध करते हैं सारे बच्चे मिलकर, जो जितने भी हमारे प्रतिनिधि चुने गए हैं कॉलेज के छात्रों द्वारा, उन सब मिलकर शपथ ग्रहण समारोह का विरोध करते हैं। विरोध हम लोग इसीलिए करते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह के नाम पर ये लोग सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। एक 200 का बैनर बनवाए हुए हैं, वो भी छात्र संघ चुनाव 2018 लिखा हुआ है, वो उसमें भी ये नहीं लिखा हुआ है कि शपथ ग्रहण समारोह है या कौन सा समारोह है। सिर्फ सारे टीचर लोगों को बंद कमरे में बुला के और वहाँ पे क्या मीटिंग कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उससे कोई मतलब नहीं। हम लोगों को बोला गया था, फोन किया गया था, कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं, मैसेज नहीं कि हाँ ये शपथ ग्रहण समारोह है या फिर समारोह नहीं है या फिर क्या प्रोग्राम है, कुछ नहीं। दोबारा हम लोग उस नंबर पे फोन किए तो फोन ही बंद आ रहा है। आरबीआई वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग के अधिकारियों ने लघु उद्यमियों को लोन दिए जाने में उत्पन्न समस्याओं के समाधान को लेकर बैंक कर्मियों और प्रबंधकों के साथ बैठक की। गोबरसही स्थित एक
होटल में भारतीय रिजर्व बैंक पटना के वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग ने एमएसएमई सेक्टर के वित्त पोषण को लेकर गुरुवार को कार्यशाला किया। रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक मनोज रंजन ने बैंकों से लघु उद्योगों को कर्ज देने में सहूलियत देने की बात की। वहीं कर्जदारों को समय पर लोन की राशि जमा कर अपनी सिविल सुधारने की भी सलाह दी। इस अवसर पर सहायक महाप्रबंधक नीरज कुमार, प्रबंधक अंकिता सिंह सहित कई बैंकों के मैनेजर उपस्थित थे। वर्कशॉप का उद्देश्य था कि जो RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस नए आ रहे हैं SME फाइनेंस के लिए, उनके बारे में बैंकरों को बताना, उनके कुछ डाउट्स हैं उनको दूर करना, और उससे ज़्यादा बढ़कर एटीट्यूडनल चेंज लाना उनमें, कि वो कस्टमर को अच्छे से समझाएं, उसके कागजातों में कोई कमी है तो उसको अच्छे से बताएं, ताकि लोन की प्रोसेसिंग को हम लोग गति दे सकें। रघुकुल कवच के तत्वावधान में 24 अप्रैल को आम्रपाली ऑडिटोरियम में वीर कुंवर सिंह जयंती सह विजयोत्सव समारोह का आयोजन किया जाएगा। आगामी 24 अप्रैल को मिठनपुरा स्थित आम्रपाली ऑडिटोरियम में बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव समारोह मनाया जाएगा। यह जानकारी प्रेस क्लब सभागार में रघुकुल कवच के अध्यक्ष अमरीश कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बताई। कवच के अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने वीर शिरोमणि बाबू कुंवर सिंह के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने क्षत्रिय समाज के तीर्थार्थ संगठन के गठन करने की बात कही। वहीं मौके पर कुमार अभिमन्यु, मिंटू राजा, प्रभात कुमार सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम से संबंधित करीब करीब जानकारी अध्यक्ष जी ने दे दी। उद्घाटनकर्ता निखिल कुमार सिंह होंगे। उसके अलावा मुजफ्फरपुर जिला और जिले से बाहर के बहुत सारे सांसद, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक जो हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, वो सारे लोगों का आगमन होगा और काफ़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना हम लोग रखते हैं। ये मनाने का उपलक्ष्य क्या है? इसका उद्देश्य है क्षत्रियों का एकीकरण। इस संस्था का उद्देश्य है क्षत्रियों का एकीकरण। रालोसपा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को पानी टंकी स्थित पार्टी कार्यालय में परशुराम जयंती समारोह का आयोजन किया। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी महानगर की ओर से पानी टंकी स्थित पार्टी कार्यालय में अध्यक्ष राकेश कुमार की अध्यक्षता में परशुराम जयंती मनाई गई। इस अवसर पर स्वच्छता अभियान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर कुमार ओझा, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर कुमार महतो सहित कई पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। पार्टी महानगर स्वच्छता अभियान प्रकोष्ठ की तरफ से भगवान श्री परशुराम, जो विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं, उनकी जयंती मनाई गई। नगर का सिटी पार्क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। लाखों खर्च के बाद भी इस पार्क की स्थिति दयनीय बनी हुई है। देखते हैं सिटी पार्क की बदहाली पर एक रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर सिटी पार्क, मुझे यहाँ स्थापित हुए तकरीबन 6 वर्ष बीत गए हैं। मुझे जुबासनी पार्क के विकल्प के रूप में बनाया गया था ताकि लोग यहाँ आकर कुछ पल सुकून पा सके, लेकिन किन्हीं कारणों बस पिछले 5 वर्षों तक यहाँ ताला जड़ा रहा और 1 जनवरी 2018 को मेयर सुरेश कुमार द्वारा आम लोगों के लिए इसका उद्घाटन आनंद फानन में किया गया था, लेकिन 4 महीने बीतने के बाद भी नगर निगम द्वारा किसी भी चीजों का ख्याल नहीं रखा गया। औषधीय पेड़ मर चुके हैं, यहाँ स्थापित जानवर और पक्षियों की मूर्तियाँ टूट चुकी है, फवारे नहीं चल रहे हैं और यहाँ जमी पानियों में मच्छर पनप रहे हैं। यही नहीं, छोटे बच्चों के झूले टूटे और बिखरे पड़े हैं। आम लोगों के टहलने के लिए बनाई गई ट्रैक जगह जगह टूटी पड़ी है। यही नहीं, पूरे पार्क स्थल के अंदर कूड़ादान बन चुका है। आम लोगों के आने के बजाय यहाँ जानवर पहुँच रहे हैं। बाहरी 4 दीवारियाँ गिरी पड़ी है। मैं अपने इस हाल पर खुद आंसू बहा रहा हूँ और मेरे इस हाल का कौन जिम्मेदार है मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।